दोस्तों बात करें पर अभी भी यहाँ पे कि कमेंट आया था, बात करें यहाँ पर चैनल पर कि भैया आज तो लास्ट डेट है यहाँ पर ना वीवीओ वोकेशनल का, पेपर 6 घंटे पहले ही कि थर्ड राउंड मेरिट लिस्ट का एडमिशन लेने का, तो फिर आगे फोर्थ मेरिट लिस्ट फॉर्म में सुधार करना कब आएगा, प्लीज़ रिप्लाई में भैया। तो जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, पार्टिसिपेंट ने पी यू जी के वोकेशन की बात की, फोर्थ मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी है। उसके साथ साथ बात करें यहाँ पर और बहुत बड़ी अपडेट है, क्या फ्रेशर्स वाले फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और करेक्शन दोस्तों आप कर पाओगे या नहीं, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों बहुत अपडेट आ गई यहाँ पे, बात के पाटली से पटना के तरफ से देख पा रहे हैं यहाँ पे 17 बात करेंगे 24 से 27 यहाँ पर क्यूजी वोकेशनल के बचे हुए सीटों पर नामांकन को लेकर के विश्वविद्यालय के नामांकन पोर्टल के माध्यम से बात करेंगे फोर्थ मेरिट लिस्ट यहाँ पे एडमिशन के लिए आवश्यक सूचना आई है। क्यों दोस्तों, हमने जैसे कि आपको कहा था कि स्पॉट ऑन नहीं होगा, बिल्कुल सही सुना आपने। तो देखो फोर्थ मेरिट यहाँ पे जारी कर दिया, हम इसकी सूचना आपको पिछले ने बताई थी कि फोर्थ मेरिट लिस्ट निकलेगी। तो देख पा रहे 24 27 17 में बात करेंगे यहाँ पे यूजी वोकेशनल जो सीट बचे हैं उन बचे हुए सीट बात करें बहुत ज़्यादा सीट बचा है, निश्चित और आराम से सबका एडमिशन हो जाएगा। बात करें यहाँ पर यूनिवर्सिटी फोर्थ मेरिट दोस्तों एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो फोर्थ मेरिट लिस्ट बात करें एडमिशन के लिए, देखो क्या नोटिफिकेशन है। वैसे छात्र जिनका नामांकन पूर्व के आवेदन पत्र में किसी त्रुटि के कारण नहीं हो सका, या किसी को करेक्शन कराना हो, कोई करेक्शन के कारण आपको अभी तक किसी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, अथवा बात करें आपका नामांकन छूट गया, आपने अप्लाई नहीं कर पाया, फॉर्म नहीं भर पाए थे, अथवा नामांकन हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके, आपने नामांकन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, फॉर्म ही नहीं भरा, तो वैसे सही बात करें छात्र यहाँ पर अपने यूज़र लॉगिन आईडी और पासवर्ड से यूनिवर्सिटी के नामांकन पर एडमिशन पोर्टल पर ऑनलाइन आपको बात करें यहाँ पे करेक्शन के साथ यहाँ पे त्रुटि सुधार करते हुए खुद करेक्शन करनी है। और दोस्तों बात करें जो छात्र छूटे, अगर छात्र छूटे यानी फेसेस वाले भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हुए फोर्थ मेरिट लिस्ट नामांकन में भाग ले सकते हैं। जी तो बिल्कुल सुन रहे हैं, यहाँ पर बहुत अपडेट आ गई, आपको करेक्शन के साथ साथ जो फ्रेशर्स वाले को रीअप्लाई करने के मौका यहाँ पर दिया जा रहा है। तो कब कब दोस्तों, तो जी दोस्तों 5 सितंबर से 7 सितंबर, तो बात करें 5 से 7 सितंबर तक आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है, कोई करेक्शन नहीं, करेक्शन भी यहाँ पे कर सकते हो, बिल्कुल फोर्थ मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई करना है, कॉलेज चॉइस फिल करनी है। तो बात करें विश्वविद्यालय द्वारा बात करें फोर्थ मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो देखो स्पॉट ऑन अभी नहीं होगा, अभी फोर्थ मेरिट लिस्ट के बारे में नोटिफिकेशन आई है। फोर्थ मेरिट राउंड बस करें यहाँ पे कब आएगा दोस्तों, वो 9 सितंबर को जारी हो जाएगा, ठीक है, 9 तारीख को आएगी फोर्थ मेरिट लिस्ट। अब मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका कॉलेज में नामांकन लेना है, एडमिशन का लास्ट डेट है 11 सितंबर होगा, संध्या 4 बजे तक यहाँ पर आपको ले लेनी है। अब आगे डिटेल में देखिए, तो वो पूर्व में पहले पूर्व से नामांकन पोर्टल पर आपको जो रजिस्टर्ड यहाँ पे यूजी के वोकेशनल के साथ 24 27 में नामांकन लेने वाले छात्र जिनका नामांकन किसी त्रुटि के कारण करेक्शन के कारण बात करें यहाँ पर नहीं हो सका है, अथवा नामांकन छूट गया, रद्द हो गया, तो वे अपने यूज़र लॉगिन आईडी से पासवर्ड से विश्वविद्यालय के नामांकन पोर्टल पर अपना बात करें 5 सितंबर से 7 सितंबर तक आपको ऑनलाइन करेक्शन के लिए सुधार के लिए आपको कॉलेज का चयन, तो आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग दोस्तों भी कर लेनी है और करेक्शन कोई करेक्शन के लिए सुधार भी कर लो, करके यहाँ पे कॉलेज चॉइस फिलिंग का करते हुए फोर्थ मेरिट बात करें राउंड एडमिशन में भाग ले सकते हैं, वो भी नामांकन में भाग ले सकते हैं फोर्थ मेरिट लिस्ट में। वैसे छात्र जो यूजी वोकेशनल में नामांकन तो पार्सल पटना के पोर्टल पर ऑनलाइन करवाए चुके हैं, जो फ्रेशर्स वाले जो अप्लाई नहीं किए, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए, तो वो भी 5 से 7 सितंबर तक बचे हुए सीटों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हुए फोर्थ मेरिट लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में छात्रों द्वारा जो पूर्व में दिए गए जो अपने कॉलेज उसको चॉइस फिल किया था उसे रीड कर दिया गया है, तो फिर से आपको कॉलेज और कोर्स को चॉइस फिल करना होगा। आगे ध्यान दीजिए कि वैसे विद्यार्थी जिन्होंने नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन किया था परंतु उनका नामांकन अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं हुआ है, किसी भी, तो वैसे छात्र इस राउंड में पुनः नए सिरे से महाविद्यालय का कॉलेज को चॉइस फिल करनी है और आपको भाग यहाँ पे ले सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, विश्वविद्यालय पोर्टल पर प्रत्येक महाविद्यालय मेरिट सीटों का कैटेगरी वाइज व कोर्स वाइज सीट दर्शाया गया है। तो बहुत दोस्तों बात करें आपको यहाँ पर यूजी की बात करें वोकेशनल का पूरे वैकेंट सीट का लिस्ट यहाँ पे एडमिशन पोर्टल पर डाल दिया जाएगा, मैं उसे जैसे आएगा तो मैं डाल दूंगा वो अपने टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर, ज्वाइन करने लिंक जाकर बहुत सेक्शन में दिया हुआ है। विद्यार्थी अधिकतम बात करें मैक्सिमम आपको 2 कॉलेज चूज़ करना है यहाँ पर कोर्स का चयन करते हुए कर सकते हैं, मैक्सिमम 2, एक बार अधिकतम 2। विद्यार्थियों को अपने कैटेगरी के अनुसार और कोर्स में सीटी की उपलब्धता देखने के बाद ही महाविद्यालय को एवं कोर्स का चयन करेंगे, कुछ कॉलेज में कितने आपका जो कैटेगरी कास्ट कैटेगरी और सीटों देख करके आप चयन करेंगे तो सही है। यदि विद्यार्थी महाविद्यालय एवं कोर्स का चयन नहीं करेंगे, अब क्या होगा, कॉलेज चॉइस फिर कोर्स चॉइस फिर नहीं करोगे, कॉलेज चॉइस ही नहीं करोगे, तो उनका आवेदन इस राउंड के लिए स्वतः अस्वस्थ अस्वीकृत हो जाएगा, यानी आप इस राउंड से बाहर हो जाएंगे। वही नेक्स्ट हमारा 18वां पॉइंट है कि विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय वार मेरिट लिस्ट बात करें यहाँ पर 9 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा, आपको जिस कॉलेज में नाम आएगा कॉलेज की तरफ से मेरिट लिस्ट 9 सितंबर को जारी होगी। वही कॉलेज को इस सूची के आधार पर 9 सितंबर से 11 सितंबर तक संध्या 4 बजे तक नामांकन लेकर वेरिएशन अवश्य कर लेना है ताकि छात्रों को अपना वेरीफाई करने का मौका मिल सकेगा।
बात करें नेक्स्ट है महाविद्यालय को निर्देश दिया जाता है कि जब तक छात्र खुश है वो आपको अपने से डॉक्यूमेंट्स का खुद से जाकर वेरिफिकेशन कराना है तभी नामांकन, तब आपका एडमिशन वैलिडेशन नहीं होगा। अगला है नामांकन के वैलिडेशन का SMS, कैसे पता चलेगा आपका एडमिशन कन्फर्म हुआ है नहीं। तो वो देखो कि नामांकन के वैलिडेशन का SMS दोस्तों छात्र के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तत्काल चला जाता है, मिल जाएगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। यदि बात करें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से नहीं प्राप्त अगर हो तो आप छात्र कॉलेज से जाकर के तत्काल संपर्क कर नामांकन का होना सुनिश्चित आप कर लोगे, पता करोगे कॉलेज में मेरा कन्फर्म हुआ है नहीं बता देगा। अगला वैलिडेशन की प्रक्रिया निश्चित अवधि तक नहीं करने पर छात्र एवं महाविद्यालय इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में उनकी शिकायत नहीं सुनी जाएगी। ये अपने पर नोटिफिकेशन बताते हैं पूरी प्रक्रिया कैसे क्या करना है। तो अब ये क्या करिएगा, आप सबसे पहले पार्टी उस बटन दोस्तों यहाँ पर सर्च कर लेनी है, सर्च करके एडमिशन पोर्टल पर आ जाएगा PPUP online.in। जी फ्रेंड्स, हम आ गए पार्टी से पटना की ऑफिशियल वेबसाइट एडमिशन पोर्टल पर admission.PPUPonline.in। आपको मेरी तरह इसी तरह आ जानी है। आने के बाद करिए कुछ देर में यहाँ पर पॉपअप शो करने का लगेगा, यहाँ पर वैकेंसी दिखाएगा आपको वैकेंसीज का, जिसमें सारे वैकेंसी दिखाएगा आपको। बात करिए कॉलेज के हिसाब से, कास्ट कैटेगरी के हिसाब से, कास्ट कैटेगरी के हिसाब से दिखाएगा। तो जी दोस्तों बात करें पे कास्ट कैटेगरी वाइज, आपको यहाँ पर सीटें देखने को मिलेगी अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग कि कितनी उस कॉलेज में इस सारे कास्ट पे इतने सारे सीटें खाली है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उस कॉलेज का चॉइस फिल करके अप्लाई करनी होगी। ठीक है, वो चेकआउट कर लेना, लिस्ट आएगा तो मैं वीडियो फिर से पुनः बना दूंगा, आपको मिल जाएगा। तो चलो फिलहाल तो वैकेंसी आपको दिख जाएगा वहाँ पर, तभी कुछ कर पाइएगा। अब दोस्तों यहाँ अप्लाई करने के लिए क्या करो, करेक्शन के लिए क्या करो कि मैं आपको अंदाजा बता देता हूँ। फिलहाल लिंक तो अभी एक्टिव नहीं हुआ, लिंक एक्टिव हो जाएगा बहुत जल्द, जैसे होगा एक्टिव दोस्तों यहाँ आपको यहाँ से पता चल जाएगा। मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन डाल दूंगा। तो यूजर नेम डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा, कैप्चा के लॉगिन पे क्लिक करें। तो इसके बाद आप लॉगिन करोगे तो इस तरह पोर्टल देखने को मिल जाता है। आपका राइसन आपका नाम लिखेगा वेलकम और ऊपर लिखा रहेगा पार्टी से पटना 2024 पोर्टल, तो वो नीचे आ जानी है। नीचे आने के बाद दोस्तों ये सारा ऑप्शन आपको इस तरह देखने को मिल जाएगा। यानी बात करें यहाँ पर आप अपन प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो। प्रोफाइल में क्या, तो आपने जो रजिस्ट्रेशन करते हो जो सारे डिटेल्स डाले थे, एकेडमिक डिटेल्स था, पर्सनल डिटेल्स था, एजुकेशन डिटेल्स था, 10वीं 12वीं बोर्ड का मार्क्स था डाला था, वो सब कोई गलत हुआ तो चेक कर सकते हो। आप फोटो अपलोड यहाँ से फोटो अपलोड कर सकते हो। और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स अगर आपने गलत डाला है, मान लो 1500 वाला डाला है कि 800 वाला डाला है, कुछ भी गलत हो गया वो चेंज कर सकते हो। और कॉलेज कोर्स चॉइस, अब कॉलेज कोर्स को सबको यहाँ पर चूज़ करके देना है, बताते हैं। फिर जो फ्रेशर्स वाले को एप्लीकेशन का फी पेमेंट करनी है, ऑलरेडी जो पेमेंट कर चुके हैं उनको दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो बस ऑलरेडी जो पेमेंट कर चुके अगर आपका सब कुछ सही है तो बस कॉलेज कोर्स चॉइस करनी है और अप्लाई सेविंग कंट्री पर क्लिक करिएगा, फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी आपको पड़ेगी। अब चलो मैं आपको डेमो दे देता हूँ करना क्या है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स, मान लो प्रोफाइल आपको अपडेट करनी है तो प्रोफाइल आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का प्रोफाइल्स खुल जाता है। आपके करियर प्रोफाइल डिटेल्स यहाँ पे डिटेल्स चेक कर लीजिए, कुछ भी करेक्शन कराना है आपको यहाँ पे मैं खुद से अपना एडिट कर सकते हैं प्रोफाइल में जो भी करेक्शन है। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करके यहाँ पे देख पा दोस्तों ऑप्शन मिल रहा है फोटो चेंज करना है वो चेंज कर सकते हो। अब देखो आपको बेसिकली करना है यहाँ पर क्या, तो आपको कॉलेज कोर्स चॉइस कर लेनी है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ एक्चुअली ये दोस्तों PG का है, आपका भी नहीं है, नो नहीं दोस्तों वरीड अबाउट इट। ठीक है, आपका भी लिंक एक्टिव हो जाएगा, तो बिल्कुल सेम ही प्रक्रिया है PG वाले के लिए जैसा ही है। तो यहाँ पर आपको कोर्स दिखाएगा, यहाँ पर BC लिखा हुआ रहेगा, आपने जो भी कोर्स के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, और आपका सब्जेक्ट एप्लीकेशन रहेगा और डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ कर लीजिएगा पटना या नालंदा, आपको जो भी जिसमें नामांकन लेनी है और आपको कॉलेज से आप लिस्ट शो करेगा। ठीक है, तो यानी कॉलेज को क्या करना है, जो कॉलेज आपको है कॉलेज बस क्लिक करिए और ऐड यहाँ से कर लीजिए। ठीक है, नीचे कॉलेज फिर ऐड करते जाइएगा, अपना कॉलेज लिस्ट ऐड कर लो सभी का, ऐड करने तो इस तरह कॉलेज दिखेगा। नीचे हटाना चाहो तो बड़ा हटा सकते हो, रिमूव पे क्लिक करके सेव करके ऑप्शन पर क्लिक करना, बस इतना सा दोस्तों भी काम करना है। आपका नाम यहाँ पर बात करेंगे फोर्थ पे लिस्ट में लाने के लिए, बस इतना सा काम आपको बस कर लेनी है, करके एप्लीकेशन को PDF में डाउनलोड आपको कर लेना है। अब जो बढ़ते हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन की ओर, तो अब आ गए हैं कमेंट सेक्शन की दुनिया में। दोस्तों पहला कमेंट यहाँ पे बादल यादव जी का कमेंट है कि सर UG ऑनर्स का स्पॉट राउंड आ सकता है क्या फिर से। देखिए चांस बहुत कम है, तो जी तो चांस बहुत कम है यहाँ पर बात करें तो देखो यहाँ पर फिलहाल तो अभी आपने देखा यहाँ पर फोर्थ मिलिस्ट यहाँ पे आ गया है, तो बात करें यहाँ पर फोर्थ मिलिस्ट यहाँ पर रिलीज़ हो गया है। अब इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पे स्पॉट का चांस बहुत कम रखिए, अब ना के बराबरी रखिए आपका, क्योंकि इसी तरह यहाँ पर होगा चांस कम में आ जाएगा नाम फोर्थ मिलिस्ट में। जी अर्पिता कुमारी, देखो सभी का एडमिशन हो जाएगा, अपने से मत दो क्योंकि सीटें आते ही ज़्यादा सीटें भी नहीं भरी हैं, पता है आपको। बात करें जितना सीटें खाली हैं यहाँ पर वोकेशनल में 5500 कुछ सीटें हैं, मुश्किल से 2300 दोस्तों आवेदन ही हुआ है, तो 50% से अब सीट खाली ही है। क्योंकि वोकेशन का स्पॉट कब तक आएगा देखिए, फिलहाल वेट कर लीजिए यहाँ पर 11 सितंबर जिसमें नामांकन होगा, तो उम्मीद यहाँ पर हम बता सकते हैं 11 सितंबर के बाद आने की उम्मीद है स्पॉट की। ठीक है, आएगा नहीं आएगा 11 सितंबर के बाद ही पता चलेगा। अनमोल प्रिया जी कमेंट किया, सेकेंड लिस्ट में फर्स्ट कॉलेज मिल गया बट एडमिशन नहीं लिया, अब थर्ड लिस्ट में
ही नहीं आया तो क्या करें कोई प्रिया। कोई बात नहीं अनमोल प्रिया, आप फोर्थ मेरिट लिस्ट आ रहा है, आपको दोबारा से मौका यहाँ पर दिया जा रहा है जिसमें आप यहाँ पे अपना कॉलेज का फिर से कोर्स कॉलेज चॉइस फिल यहाँ पे कर सकते हैं। उस कॉलेज को चॉइस फिलिंग पर आपको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका यहाँ पर मिल जाएगा कॉलेज, बिल्कुल मिलेगा, हाँ मिल जाएगा, पर क्या करना है उसके लिए वीडियो एक बार देख लेना, ठीक है, तब मिलेगा। अगला कमेंट किया, प्लीज़ रिप्लाई जी, बिल्कुल फोटोज का इंतज़ार करना चाहिए, यानी हाँ करिए, यस आ गया मेरी लिस्ट यहाँ पर दोस्तों, आप यहाँ पे फटाफट अप्लाई यहाँ पे कर दीजिए। सर मेरी लिस्ट में नाम नहीं आया, क्या करें? देखो कोई बात नहीं, इसमें किसी नाम नहीं आता है क्योंकि देखो फोर्थ लिस्ट तो आ गया, इसमें नाम आपका आ जाएगा, और इसमें नहीं आया तो 11 मिनट बाद स्पॉट ऑन दोस्तों होगा, उसमें आ जाएगा, डोंट वरी। फोर्थ मेरी लिस्ट यहाँ पर बात करें कब आएगा, तो फोर्थ दोस्तों 9 तारीख को जारी होगा फोर्थ मेरी लिस्ट, ठीक है, 9 सितंबर को जारी होगा फोर्थ मेरी लिस्ट, भाई कन्फर्म है कि फोर्थ मेरी लिस्ट ही आएगा, यस बिल्कुल कन्फर्म है, यस यस हाँ, क्योंकि आ भी गया फोर्थ मेरिट लिस्ट यहाँ पर, बिल्कुल। तो ये थे आपके कुछ पूछे गए प्रश्नों का जब हमने दे दिया, इस तरह के आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करना, मैं सवाल का जवाब देते रहता हूँ। तो ये थे, आप वीडियो को लाइक करिए, आखिर इस पाने की चाल से बने रहिए।